साथ है यूपी वॉरियर्स की कैप्टन बबीता कुमारी. अनफॉर्चुनेटली टुडे वॉज नॉट योर डे, लेकिन आगे के लिए कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है आपने? बिल्कुल, हम स्ट्रैटेजी हमने शुरू से ही बनाई थी, लेकिन लूज की, लेकिन सभी अच्छे बाउट लड़े हैं मेरी टीम के जितने भी प्लेयर थे. कोशिश की हर किसी ने जीतने की, पर लेकिन कहते हैं कि दो जीत लड़ते हैं तो एक तो जीतता ही है. तो मुझे आगे के लिए अपनी टीम से कंफर्म करके जितने अगर कोई कमी रही है अभी तो उसको हम पूरी करने की कोशिश करेंगे. बिल्कुल, कहते हैं कि रेस्टलर्स खून पसीने की मेहनत करते हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताइए. ये पहली बार हो रहा है प्रो रेसलिंग लीग पहली बार हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए, स्पेशली अबाउट फीमेल रेसलिंग की. क्योंकि जब लीग IPL भी क्रिकेट के उसके और हॉकी के भी और टेनिस के हर किसी की लीग स्टार्ट होगी, तो हम वेट कर रहे थे इस चीज़ का कि हम रेसलिंग लीग कब स्टार्ट हो. तो फाइनली आज रेसलिंग लीग स्टार्ट हो भी चुकी है और मैच भी हो चुके हैं, तो हमें इस चीज़ की काफ़ी खुशी है. और जितने भी और सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे इंडियन रेसलर जो कैडिट और जूनियर के रहे हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उनको ये अगर क्योंकि वर्ल्ड और ओलंपिक लेवल के सभी प्लेयर हैं, तो इनको देख के उनमें और जोश और जज्बा आएगा, वो और कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे. बिल्कुल, अनुभव के बारे में बात करते हैं. आपका बहुत सारा अनुभव है, क्या इस गेम में अनुभव हो ये एडवांटेज है? बिल्कुल, अनुभव सीनियर प्लेयर का अनुभव एडवांटेज रहता है, क्योंकि अगर हम सीनियर प्लेयर हैं और हमें थोड़ा बहुत सीनियर होने का अनुभव रहता है, तो इस चीज़ का काफ़ी एडवांटेज है.